वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज है हमारा कंटिन्यूस व्लॉगिंग का 13th डे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 13th डे बोला था, बट इट वाज नॉट एक्चुअली 13th डे, इट वाज 11th डे। सो आज मैं जा रही हूँ, क्योंकि 1st फेब हो चुका है, तो आज मैं जा रही हूँ अपने नेल्स चेंज कराने के लिए, नेल्स का कलर चेंज कराने के लिए। जो पार्टी का कलर है वो उसके हिसाब से मैं अपने नेल्स का कलर कराने वाली हूँ। अभी तो ये है, सो आई एम गोइंग टू गेट माई नेल्स डन। सो आज जाते हैं नेल्स के लिए। कल का प्रोग्राम कुछ हमारा रहेगा बाहर जाने का, जो भी हमें शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाना है तो वो कल को जाएंगे हम लोग। और बाकी तो ऐसा जब भी कोई और प्लान नहीं है। गेस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, वेन्यू फाइनल हो चुका है, गेस्ट को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। अब मैं बस गाड़ी ड्राइव करने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेल सैलून पे। घर के पास ही है जहाँ पे मैं जाती हूँ नेल्स के लिए अपने, वहीं से करवाती हूँ हमेशा, बिकॉज देर जेन्युइन, और उसके बाद वहीं से कराती आई हूँ, तो इसलिए बेटर है जहाँ से कराते रहो ना वहीं कराना चाहिए ये चीज़ें, कहीं इधर उधर से कराओ तो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर चलते हैं। गाड़ी बंद कर ली मैंने, अब गाड़ी ड्राइव करती हूँ। ड्राइव करते करते तो बात नहीं हो पाएगी, सो आई विल मीट यू एट द नेल सैलून। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ जहाँ पे हमारा नेल आर्ट स्टूडियो है। बेसिकली यार सैलून बोलते हैं, सैलून बोलते हैं, कई लोग बहुत अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, तो जो भी है, दिस इज़ नेल आर्ट स्टूडियो जहाँ मैं जा रही हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था अपनी लास्ट वीडियो में, इट्स अ सिटी प्लाजा जो हमारे घर के पास है, बहुत फेमस है। सो लेट्स गो देयर। इस दिक्कत हो गई, जहाँ पे मुझे जाना था वो वाला पार्लर बंद निकला, और उसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दे आर आउट ड्यू टू सम इमरजेंसी। तो मैं गौरसी 2 में एक और है, वहाँ आई हूँ मैं, तो अब वहाँ चलते हैं। उनसे मेरी बात हो गई है, वो ओपन है, तो यहाँ पोपट नहीं होगा हमारे। चलिए चलते हैं। आर्ट इज़ डन। मैं एक्सटेंशंस नहीं लगवाती हूँ, सो मैं जनरली अपने ही नेल्स पे काम नेल आर्ट करवाती हूँ। नेल आर्ट क्या है यार, ये फिक्स हो जाता है। सो हैप्पी। और अब मैं जा रही हूँ घर वापस। टाइम ऑलरेडी बहुत लग गया यार, 1 घंटा लग गया पूरा। सो ये काम तो हो गया पूरा, अब एटलीस्ट इस काम से तो मैं टेंशन मेरे को हट गई है कि हाँ मुझे ये करवाना था। अब ये मेरा आराम से 1 महीना चल जाएंगे, और अब मैं जा रही हूँ घर वापस। चलो अब घर पर मिलते हैं आपसे। गाइस, पार्लर से आने के बाद मैं लग गई थी थोड़ा काम में, तो अभी फिलहाल चल रही है सांची के बर्थडे की गिफ्ट्स पैकिंग। आप देख सकते पूरा फैला पड़ा है बेड पे सारा, मैं भी वो पैकिंग ही कर रही थी। और अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं पैकिंग के लिए, क्योंकि आगे के टाइम में पता नहीं ना फिर मुझे कितना टाइम मिलेगा पैकिंग वगैरह का। सो आई एम थिंकिंग कि पैकिंग पहले ही करके रख देती हूँ, और बाकी का काम जो है फिर वो होता ही रहेगा पूरे टाइम, थ्रू आउट द टाइम। अभी तो हमें जाना भी है कुछ परचेज़ वगैरह करने के लिए, सामान वगैरह, तो उसके लिए तो हम शायद चांदनी चौक या फिर सदर जाएँगे। बट फिलहाल तो पैकिंग कम्प्लीट करते हैं आज, और कल का दिन मैंने सोचा हुआ है कि पैकिंग कम्प्लीट कर दूँगी, और परसों को फिर मैं जाऊँगी वहाँ पर चांदनी चौक अपनी ड्रेस वगैरह फाइनल करने के लिए और लेने के लिए जाना होगा मुझे। तो अभी तो लेट्स कंप्लीट द पैकिंग फर्स्ट, एंड देन आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सांची, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए कैंडी के साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए।
और भी चाहिए, पेंसिल बॉक्स पेपर, और जो है बर्थडे पे बताऊंगी। बर्थडे पे कहाँ लेगा तू? बर्थडे पे वही लूंगा चाप के आऊंगी। मेरे से क्या लेगा तू? मेरे से क्या लेगा? दादी से क्या लेगा? मेरे से क्या लेगा? नहीं नहीं बताओ क्या लोगे दादी से? मैं लूंगी दादी से, मुझे नहीं पता। गोल्ड देंगे हम तो। गोल्ड? गोल्ड, गोल्ड का क्या? गोल्ड का मतलब पता तुझे क्या होता है? हाँ, चेन। चेन। और चाचू से? चाचू से मैं तो लहंगा लूंगी। अरे चाचू से लहंगा ले लेगी। चलो अब जल्दी से ये फिनिश करो फटाफट से, तब मिलेगा आपको गिफ्ट। चलो खाओ अभी फटाफट से फिनिश कर लो ये। So guys, this is Sanchi's pasta, और Sanchi अपनी एक स्पेशल जगह पे बैठी है। Sanchi, where are you sitting? On the table. किचन की टेबल पे क्या कर रही हो? Oh wow, स्माइली वाला कप आपका? पहला तो गिर गया। कोई बात नहीं, अब अपने आप खा लेते हो? Very good. Here you go. कैसे बड़ी को आज घुमा के लाई है? जनरली वो घुमाती नहीं है, बट आज उसने जिद कर ली थी तो वो घुमा के लाई है उसको। मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे उसको लेकर के, और अब ऊपर के आके खाना वाना खा करके वो अब सो चुकी है। अब देख ही सकते हैं मेरे पास सो ही रही है वो। और वैसे भी आज बड़ी को वो लेट लेके गए थे, 9:30 के अराउंड लेके गए थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ उसके बाद का मैं शूट कर नहीं पाई उसके साथ तो। और हाँ, ये मैसेज स्पेशली राज जी के लिए है जो हर वीडियो पर मैसेज कर रहे हैं कि आप पिकाबू खेलिए बच्ची के साथ। राज जी, आई एम सो सो सॉरी, आपके मैसेज के इतने मैसेजेस के बाद भी मैं पिकाबू नहीं खेल पा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, बिकॉज वो उसको मैं जब भी पिकाबू करती हूँ तो शी डोंट लाफ, शी डोंट रिएक्ट मच, एंड शी सेज कि छोटे बच्चों का गेम है, मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई एल मेक श्योर कि सूनर मैं अपने नीस या नेफ्यू के साथ में, जो कि छोटे हैं, उनके साथ एक वीडियो बनाऊंगी इन विच आई डू पीकाबू एंड आई श्योरली प्ले, और वो मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट में हैं। जब भी हो पाएगा मैं पक्का से ये वीडियो उनके साथ बनाने वाली हूँ, और उस वीडियो में मैं पक्का से आपको मेंशन करने वाली हूँ ताकि आप वो वीडियो देख पाएँ। एंड आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट, प्लीज़ अपना प्यार कम मत होने दीजिएगा, एंड इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं कर पाई हूँ। और साथ में ही कुछ लोगों ने मुझे पेंटिंग के लिए भी बोला था, सो आई ट्राइड पेंटिंग, डिड पेंटिंग विद हर, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि मैं उसे शूट नहीं कर पाती हूँ, सो आई श्योरली शूट दैट अगेन सून। सो वो सब कुछ मेरे लिस्ट में है। सो अभी तो सचे की बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही है, तो इस वजह से वो लिस्ट से थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, बट सून मैं वो करने वाली हूँ सब चीज़ें भी, जैसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि सांची के बर्थडे पर हमने कैसे मस्ती की, एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं उसकी भी बनाने वाली हूँ, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। सो प्लीज़ उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा वीडियो सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।